सावन में सुहागिन महिलाएं जरूर करेगी ये काम। पति की आयु लंबी होती है। सावन के महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और हरे कपड़े पहनती है। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है और भोलेनाथ आपसे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे काम जो सावन के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिला को जरूर करने चाहिए। रोजाना करें यह काम। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। इन वस्तुओं का करें दान। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीबी या फिर किसी भी विवाहित महिला को करेगी तो आपका स्वागत हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियाँ आएगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। भूलकर भी न पहने इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूलकर भी नहीं पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल और पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक अधिक पहनने चाहिए। मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। बिछिया और पायल। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिला सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती है उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हाथों पर मेहंदी। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसे सुहाग की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SK Sharma 2267 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।